आने की खास वजह क्या है? जो नील जी हर साल वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आजादी लेके दी थी और अमन और शांति के पुजारी थे, उनको लेके जो एक मैराथन रखी है अमन शांति के लिए, और जिस तरीके से हमारे जवान भारत माता की सेवाओं की, भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उनकी श्रद्धांजलि के लिए, देश की जनता को जगाने के लिए, और वहां पे खास तौर पे जो नील जी ने जो जिनको बुलाया है, पब्लिक नहीं इतनी बुलाई, उसमें सुरक्षा फोर्सेस के जवान बुलाए हैं जो उस दिन शांति का संदेश भी देंगे और पाकिस्तान को किस तरीके से हमने ललकारना है और आतंकवादियों को किस तरीके से हमें समाप्त करना है और किस तरीके से इन शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है, उसके लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पूरा देश पूरी दुनिया में बैठा हुआ हिंदुस्तानी जाए। हमारे देश के हालात बहुत बढ़िया हैं, हमारे देश में कोई ऐसी गलत बात नहीं है जिसमें हमारा देश कमजोर हो रहा हो, पर हां ऐसे आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे से इल्जामबाजी लगाने की बजाय पाकिस्तान को बता दे, दुनिया को बता दे कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर हमारी कोई राजनीति नहीं, हम एक हैं। जिस दिन ये चीज सबके सामने साबित हो जाएगी, मैं महसूस करता हूं कि आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं रहेगी पंजाब की तरह, क्योंकि पंजाब में भी आतंकवाद था जब कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई एक मंच पे इकट्ठी होगी और कहा कुर्सी नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, हमें तो पंजाब को देश से टूटने नहीं देना है। वो लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां सबने दी, अमन शांति आया, सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक होनी चाहिए सेक्युलरिज्म के मुद्दे के ऊपर और भारत माता की आजादी की और टेररिज्म के मुद्दे के ऊपर एक होना चाहिए। देश के चार हिस्से में चार प्रॉब्लम चल रहे हैं, पंजाब में टेररिज्म के अलावा, सॉरी ड्रग के अलावा, कश्मीर में टेररिस्ट के अलावा, आंध्रा में पानी के अलावा, और ऑल ओवर इंडिया में 8 साल से लेकर 80 साल के महिला के ऊपर बलात्कार, इसको हवा कौन दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टी या सोशल मीडिया? देखो जहां तक बलात्कार की बात है, ये उन राजनीति से एक अलग मुद्दा है, इसके ऊपर तो एक आतंकवादियों के ऊपर जो कानून बने, फांसी सजाए मौत, ऐसे बलात्कारियों के ऊपर होना चाहिए। बाकी कश्मीर का मुद्दा हो, पंजाब का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, ये सारे राजनीतिक मुद्दे हैं, हमारे राजनीतिक लोगों की देन है। अगर हम सेकुलर हैं, हम सब एक हैं, हमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करनी है, हमने भारत माता की आजादी की रक्षा करनी है, हमें अपने समाज की रक्षा करनी है, कौन जात कौन धर्म कौन मजहब, पानी तमिलनाडु का हो, पानी पंजाब का हो, पानी कर्नाटक का हो, पानी तो सबका है, पानी तो पाकिस्तान में भी जाता है, वो भी लेता है हमारा पानी, वो भी पानी पीता है, पानियों का झगड़ा क्यों? झगड़ा पानी का नहीं है, झगड़ा वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, झगड़ा हिंदुस्तान की गिर रही राजनीति है, पानी का तो झगड़ा ही कोई नहीं। धारा 372 के बारे में क्या कहा? अगर हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां सब सिंसियर हैं, पूरी सिंसियर है कि आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे जवान थे उनको श्रद्धांजलि है, तो सीधा है कि वहां 370 धारा हटा दी जाए।